हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा शर्मा। जैसे आपको पता है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना डेली एक शॉर्ट वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ मॉर्निंग इवनिंग में क्या करती हूँ। तो आज ऑफिस के बाद हम आए हैं झंडे वाले मंदिर, और जैसे आप लोग गए भी होंगे, पहले आपने सुना भी होगा। तो आज हम ऑफिस के बाद ही आ गए। ये झंडे वाले की पार्किंग, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी फेमस भी है। वहीं पार्किंग के साइड में ये पार्क है, आप चाहे तो वेट भी कर सकते हैं। ये हमारी हो चुकी है एंट्री। यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं, आप अगर आपका फास्ट अगर आप जो भी खा सकते हैं, और विदाउट फास्ट दोनों टाइप के यहाँ पे फूड्स हैं। ये हमारे पास पास है झंडे वाले मंदिर का, तो जो हमारी एंट्री होगी ये होगी मयूर द्वार से। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। बट हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि मंदिर 7:30 बजे ओपन होगा। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी वेटिंग करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा क्राउड नहीं है, 10-15 लोग हैं बस। अगर आप अदर गेट से जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा। मैं भी वेट करते हुए यहाँ पे प्रसाद में चाय मिल रही थी, फिर मैं चाय पी। चाय पीने के बाद हमारे पास टाइम तो काफ़ी ज़्यादा था ही, तो हम लोग वहीं पर ही थोड़ा वेट कर रहे थे। एक्चुअली हम पहुँच चुके थे वहाँ पर 6:15 बजे। यहाँ पर आरती हो रही थी अंदर, बट सारे लोग बाहर ही आरती कर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता है। और मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, बिकॉज मैं गई थी ऑफिस से, और मेरे पूरे 9 फास्ट है। तो वहीं पे आलू चाट थी जो फास्ट में खाते हैं, तो वो ली और खाने लगे। ये आप देख सकते हैं, ये साइड में जो ये है नॉर्मल लाइन, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से डॉगी थे। ये पूरी लाइन को ना इधर उधर सब लोगों को परेशान कर रहे थे, आपस में भी लड़ रहे थे। ये हमारी एंट्री होने वाली है, बस हम आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा लोग नहीं। हमारी एंट्री हो चुकी है अंदर, और मैं आपको अंदर का दिखा दूँ कितना ब्यूटीफुल, मतलब कितने अच्छे से डेकोरेशन की हुई है। अब अंदर चलते हैं, देन आप आराम से देखना। वीडियो के द्वारा ही आप लोग को मैं दर्शन भी कराती हूँ। बिल्कुल खाली है जिस गेट से हमारी एंट्री हो रही है, ये VIP गेट है। यहाँ से आराम से आप इजीली जा सकते हैं, कोई क्राउड नहीं है। हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। ये दो चार चार लोग करके आराम से एंट्री होगी आगे। ये मंदिर का साइड व्यू है, और आप देख सकते हैं जो लोग नॉर्मल लाइन से आ रहे हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। और ये हम लोग इस लाइन से जाएंगे यहाँ पे, जो आगे 2-3 लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही वाइब्स आती है, एक पॉजिटिव वाइब, मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से दर्शन किए होंगे, क्योंकि मैंने तो आराम से दर्शन किए थे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से बाहर जाते हुए देखो, क्राउड तो बहुत होता है, बिकॉज फास्ट चल रहे हैं नवरात्रि के, तो इन दिनों तो बहुत ज़्यादा लोगों को आना जाना होता ही है यहाँ पे। अब यहाँ से बाहर निकलना है हम लोगों को। मंदिर के बाहर हम लोग आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बिल्कुल बाहर मेट्रो के लिए। हम आए थे गाड़ी से, अब हम जाएंगे मेट्रो से। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं बाहर मेन रोड पे भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन की हुई है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छे से की हुई थी यहाँ पे। उसको देख के तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। ये फेमस हनुमान मंदिर है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इसमें मैं गई नहीं, बट मैं किसी दिन इस मंदिर में ज़रूर जाऊंगी, देन आपको यहाँ की वीडियो भी शेयर करूंगी। ये हम पहुँच चुके हैं, इसका जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो झंडे वाले मेट्रो स्टेशन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।